हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। घमंडी भी कहा और ये भी कहा कि वो मुझसे कभी विवाह नहीं करेगी। जी महाराज। सेनापति आज्ञा महाराज। हमारी सेना समस्तीपुर पर आक्रमण करेगी। नारायण 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 मैया, घटनाएं घटने लगी हैं। अब आपके पृथ्वी लोक पर अवतरण होने का समय निकट लग रहा है। देवऋषि, पृथ्वी लोक के समय और देवलोक के समय की गति में बहुत अंतर है। नारायण नारायण नारायण। मेरे अवतरण का कारण बनने के लिए अभी सगर का दूसरा विवाह और उस विवाह से संतान होनी है। कैसे होगा सगर का दूसरा विवाह? विधि के विधान के अनुसार जिसके साथ उसका विवाह होना है उस राजकुमारी सुमति को तो दुष्ट शक्ति सिंह बल छल और कपट से अपनी रानी बनाना चाहता है। नारायण नारायण नारायण। देवऋषि, शक्ति सिंह जैसे दुष्ट दुराचारी नारी को तुच्छ क्षुद्र समझते हैं। वो दुष्ट ये नहीं जानते कि उन्हें शक्ति प्रदान करने वाली शक्ति रूपा नारी ही है। देवऋषि, कदाचित प्रभु पृथ्वी लोक के लिए उदाहरण रखना चाहते हैं कि जो नारी का सम्मान नहीं करता, नारी पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, वो नारी के हाथों ही परास्त होता है। नारायण नारायण नारायण। अर्थात समस्तीपुर की राजकुमारी सुमति के हाथों राजा शक्ति सिंह पराजित होगा। नारायण नारायण नारायण। आपने तो मेरी उत्सुकता बढ़ा दी मैया। महाराज, शक्तिपुर का राजा शक्ति सिंह अपनी सेना के साथ समस्तीपुर नगरी पर आक्रमण करने निकला है। समय बहुत कम है महाराज, किसी भी समय शक्ति सिंह की सेना समस्तीपुर की सीमा तक पहुंच सकती है। अब क्या होगा? क्यों, आपको हम पर और हमारी सेना पर विश्वास नहीं है? विश्वास है, परंतु महाराज, राजकुमारी सुमति
अपने सखी के साथ देवी की पूजा करने मंदिर गई है। कौन से मंदिर? माँ दुर्गा का मंदिर जो हमारी नगरी के सीमा पर है। मनोकामना पूरी कर। हे जगदम्बे, मेरा विवाह महाराज सगर से हो। भागना चाहती हो राजकुमारी? तुम, तुम्हारा होने वाला पति समझ नहीं आ रहा, मैं हंसूं या तुम्हारी दशा पर दया करूं या तुम्हारी उद्दंडता का दंड दूं तुम्हें? मैं मूर्ख, उन्मत्त, घमंडी, मुझसे विवाह नहीं करोगी तुम? भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है? चलो हम शक्तिपुर चलकर विवाह करेंगे। सेनापति। आज्ञा महाराज। मैं कुछ सैनिकों को लेकर शक्तिपुर जा रहा हूँ। जब तक मेरा और सुमति का विवाह नहीं हो जाता, आपको समस्तीपुर की सेना को यही सीमा पर ही रोके रखना है। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। चलो सारथी। नारायण नारायण नारायण। अब क्या होगा मैया? क्या सुमति का विवाह शक्ति सिंह से हो जाएगा? मैया, शक्ति सिंह सुमति को शक्तिपुर ले गया तो फिर उसके विवाह को कौन रोकेगा? मैया, आप तो कह रही थी कि शक्ति सिंह को नारी की शक्ति का साक्षात्कार होगा। कब होगा मैया साक्षात्कार? सुमति तो भयभीत है, सहायता मांग रही है मैया। हे दशो दिशाओं, हे दिक्पालो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ इस तरह। अब कोई नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। अब तो तुम्हारा और मेरा विवाह निश्चित है। नारायण नारायण नारायण। गंगा मैया, अब राजकुमार की रक्षा कैसे होगी? रक्षा करो।
रक्षा होगी देव ऋषि। सुमति का तारणहार आ गया। कौन? अयोध्या नरेश? नहीं, अयोध्या रागनी केशनी। नारायण नारायण नारायण, आपकी लीला अगाध है मैया। अब मुझे नारी शक्ति का साक्षात्कार होगा। कौन हो तुम जो शक्ति सिंह का रास्ता रोकने का दुस्साहस कर रहे हो? शक्ति सिंह? शक्ति भी और सिंह भी, परंतु कैसा सिंह और कैसी शक्ति? वो शक्ति जिसका प्रयोग एक निष्पाप अबला पर कर रहे हो? धिक्कार है तुम्हारे नाम पर, धिक्कार है तुम्हारी शक्ति पर। छोड़ दो उस लड़की को। तुम कौन होती हो हम दोनों के बीच बोलने वाली? ये मेरी पत्नी है। नहीं दीदी, ये मुझे बलपूर्वक ले जा रहा है, बलपूर्वक मुझसे विवाह करना चाहता है। ये दुष्ट है, पापी है। इससे मेरी रक्षा करो दीदी, मेरी रक्षा करो। दीदी, तो तुम सुमति की बहन हो? ठीक है, तुम भी मेरे साथ शक्तिपुर चलो। और बस, अब एक शब्द नहीं सुनना मुझे। अपना जीवन चाहते हो तो छोड़ दो इसे। मुझे धमकी? सैनिकों, आक्रमण! नारायण नारायण नारायण! नारायण नारायण नारायण! शक्ति सिंह, सुमति के पांव पर नाक रगड़कर क्षमा मांगो तो। क्षमा? मैं एक नारी से क्षमा मांगू? मैं इसे ही खत्म कर देता हूं। तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार ही नहीं। सुरक्षित हो सुमति। सुमति, क्या हुआ? सुमति, सुमति, मेरी पुत्री सुमति, राजकुमारी सुमति, पुत्री, पुत्री होश में आओ, पुत्री, सुमति होश में आओ। रक्षा करने के लिए अब तो तुम्हारा और मेरा विवाह निश्चित है। नहीं, नहीं।
तुम अब अपने महल में सुरक्षित हो सुमति। फिर वो एक बुरा स्वप्न था राजकुमारी, परंतु ये स्वप्न है या सत्य? है तो स्वप्न दीदी, परंतु मैं चाहती हूँ ये सत्य हो जाए। मैं भूल नहीं कर रही तो ये तो अयोध्या नरेश के चित्र है ना? हाँ दीदी, मैं मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ और कामना करती हूँ ये भी मुझे अपनी पत्नी बना ले। परंतु दीदी, आपने मुझे अपना परिचय तो अभी तक दिया ही नहीं। तुमने दीदी कहा ना, हो गया परिचय। परंतु अब मुझे जाना होगा राजकुमारी, मेरे पतिदेव मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। मैं धवलपुरी गई थी अपने मायके, वहां से लौट रही थी कि तुमसे भेंट हो गई। अब तुम विश्राम करो। मैया, केशनी ने अनजाने में सुमति को बचाया और सुमति को भी यह पता नहीं कि जिस केशनी ने शक्ति सिंह से उसे बचाया है वो उस सगर की पत्नी है जिससे वह स्वयं विवाह करना चाहती है। क्या सुमति की मनोकामना पूरी होगी ये तो प्रभु ही जानते हैं, परंतु मैया, केशनी ने अपनी आंखों से देखा है सुमति महाराज सगर के प्रेम में कितनी दीवानी हुई है। क्या वो सुमति को अपनी सौतन बनाएगी मैया? देवऋषि, भविष्य को किसने पढ़ा है? आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ सुमति क्या करती है और केशनी क्या। नारायण नारायण नारायण। सुमति, अब कैसी हो तुम पुत्री? ठीक हूँ माता श्री। दीदी की भाषा बोलूं तो एक दुःस्वप्न समाप्त हुआ। दीदी? हाँ पिताश्री। दीदी, जिन्होंने शक्ति सिंह से मेरी रक्षा की, दीदी बहुत ही कुशल योद्धा है। और भी कुछ जानती है उनके बारे में? उन्होंने केवल इतना ही बताया कि धवलपुरी उनका मायका है। क्या बात है आप? पुत्री सुमति, महाराज सगर के इन चित्रों को देखकर तुम्हारी दीदी की प्रतिक्रिया क्या थी? प्रतिक्रिया? चकित हुई। मैंने कहा, मैं दिन में भी महाराज सगर के स्वप्न देखती हूँ और मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? पुत्री, शक्ति सिंह के सेनापति को युद्ध में पराजित करके और उसका धड़ उसका शरीर से अलग करके जब मैं सेना के साथ तुम्हें शक्ति सिंह से छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि अयोध्या के किसी योद्धा ने तुम्हें बचा लिया है। नहीं नहीं, वो अयोध्या का कोई योद्धा नहीं था पिताश्री, वो तो दीदी थी। हाँ, दीदी भी अयोध्या की ही है। तुमने उनके रथ पर लहरा रहा ध्वज नहीं देखा? ध्वज? हाँ पुत्री, वो ध्वज अयोध्या का था। तुमने महाराज सगर के बारे में जानकारी प्राप्त करते समय उनके परिवार के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की? महाराज सगर की पत्नी स्वयं एक महान योद्धा है और उनका मायका धवलपुर है। अर्थात दीदी? हाँ, जिसे तुम दीदी कहती हो, जिसने शक्ति सिंह से तुम्हारी रक्षा की, वो महाराज सागर की पत्नी अयोध्या की महारानी केशनी थी। हाँ।
अयोध्या की महारानी? हां पुत्री, इसे तुम संयोग ही समझो पुत्री, या फिर प्रकृति का संकेत है ये जो तुम सोच रही हो, वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। अब तुम्हें अयोध्या नरेश से विवाह करने का हट त्यागना होगा पुत्री। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने मायके नहीं, मेरे विवाह के लिए कन्या ढूंढने गई थी। सुमति आपके अनुरूप है महाराज। अनुरूप और एक रूप में बहुत अंतर है महारानी। आप मेरे अनुरूप हैं, आप मेरे सुख दुख से एक रूप भी हुई हैं, इसीलिए तो आप मेरे लिए कन्या ढूंढने लगी। क्या कोई पत्नी अपनी सौतन को ढूंढेगी? सुमति भी आपसे एक रूप होगी महाराज, क्योंकि वो आपसे प्रेम करती है। और आप? सुमति अयोध्या को उत्तराधिकारी देगी महाराज। प्रणाम। प्रणाम ऋषिवर। महारानी उचित कह रही हैं राजन, आपका और राजकुमारी सुमति का विवाह हो, इसी में पृथ्वी लोक की भलाई है। आप विवाह का प्रस्ताव तत्काल समस्तीपुर भेज दीजिए और विवाह की तैयारियां आरंभ कर दीजिए राजन। जैसी आपकी आज्ञा महर्षि। महारानी केशिनी, जब तक पृथ्वी लोक का अस्तित्व रहेगा, तब तक आपका नाम अजर अमर रहेगा। गंगा मैया तेरी जय हो, जय हो, जय हो गंगा मैया।